हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की रिक्वेस्टेड वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मिस्टर राजेश जौली जी की। इनका जन्म 20 अगस्त 1960 को पंजाब में हुआ था। ये एक एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रभावशाली वॉइस एक्टर भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जसपाल भट्टी जी के फनीएस्ट शो, जिसका नाम फ्लॉप शो था, उससे की थी, जो कि 1989 को आया था। इसके अलावा इन्होंने ताकत और वीर जारा जैसी मूवीज़ में भी काम किया है। डबिंग इंडस्ट्री से राजेश जौली जी तकरीबन 20 सालों से भी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और अपने डबिंग करियर के दौरान उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके डबिंग रोल्स की। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेटेड मूवीज़ की कि उन्होंने एनिमेटेड मूवीज़ में किन किन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने बैटमैन मूवी में डॉक्टर विक्टर यानी कि मिस्टर सब जीरो के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है। उसके बाद द वाइल्ड में सैमसन के पिता को, कुंफू पांडा मूवी में कमांडर बशीर को, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 में स्टोइक द वास्ट को और रियो 2 में उन्होंने आवाज़ दी है एडुआर्डो को। तो चलिए अब बात करते हैं साउथ इंडियन मूवीज़ की। शिवाजी द बॉस और रुद्रा माँ देवी जैसी मूवीज़ में उन्होंने आवाज़ दी है सुमन तलवार को और एका दम में उन्होंने आवाज़ दी है कैली डोरजी को। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजेश जौली जी ने हॉलीवुड मूवीज़ में किन किन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। ब्रेव हार्ट मूवी में इन्होंने आवाज़ दी है विलियम वॉलिस को। मैट्रिक्स के सभी पार्ट्स में इन्होंने आवाज़ दी है मॉर्फियस के कैरेक्टर को। उसके बाद प्रेडेटर मूवी में नोलन को, स्लीपी हॉलो में नॉटरी जेम्स हार्डन ब्रूक को, अ ब्यूटिफुल माइंड में जॉन नैश जूनियर को, एक्समैन 2 में कर्नल विलियम स्ट्राइकर को, हेलबॉय मूवी में हेलबॉय को और द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया मूवी के सभी पार्ट्स में इन्होंने असलन लाइन के ज़बरदस्त कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद बैंडिडस मूवी में डैन डिएगो सैंडोवल को, कसिनो रोयाल में जियान कार्लो को, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के पहले पार्ट को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स में इन्होंने आवाज़ दी है कैप्टन बारबोसा को। लिव फ्री और डाई हार्ड में इन्होंने आवाज़ दी है एफबीआई एजेंट प्रेसिडेंट को। अ गुड डे टू डाई हार्ड में इन्होंने जॉन मैकलेन को पंजाबी में डब किया है। इसके बाद आयरन मैन के सभी पार्ट्स में जेम्स रॉड्स को, फास्ट 5 में ल्यूक हॉब्स को, कोनन द बारबेरियन में कॉरिन को, काउबॉय एंड एलियंस में वुड्रो डॉलराइड को, मैन इन ब्लैक 3 में बोरिस को और बैटमैन बिगिंस में इन्होंने आवाज़ दी है रसल गुल और कमिश्नर लोब को। इसके बाद लेजेंड ऑफ द जोरो मूवी में इन्होंने आवाज़ दी है जेकब मैकगिविंस को, गोस्ट राइडर में केयर टेकर को, मिशन इम्पॉसिबल के पहले सेकंड पार्ट में लूथर्स टिकल को, इसके थर्ड पार्ट में थियोडोर ब्रेसल को, फोर्थ पार्ट में IMF सेक्रेटरी को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद द मम्मी में डॉक्टर हेनरी जैकल को, एवेंजर्स के सभी पार्ट्स में वॉर मशीन को और स्पाइडरमैन के सभी पार्ट्स में जे जोना जेम्सन को इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। अब बात करते हैं एनिमेटेड सीरीज़ की। डेक्स्टर लेबोरेटरी में इन्होंने आवाज़ दी है जेफ बेनेट को, स्वॉर्ड कैट्स में कमांडर यूलिसिस को, सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स में एंटोरी को, कुंफू पांडा सीरीज में मास्टर शिफू को, लव डेथ एंड रोबोट्स में इन्होंने आवाज़ दी है डीको के कैरेक्टर को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।